और एसएन न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई, आप लोग भी बहुत काम वर्क कर रहे हैं। और मेरा ये कहना है, अब फाइनली आज सुप्रीम कोर्ट ने इसका जजमेंट दे दिया। पहली रो में, फ्रंट रो में मैं ही खड़ा था सुप्रीम कोर्ट में, और इस केस में ये पूरा जजमेंट जो पढ़ा, जो जजमेंट लिखा, वो माय लॉर्ड रॉयंटर नारीमन जी ने इस जजमेंट को लिखा। और उन्होंने जजमेंट में, हमारी प्रेयर थी कि एम नागराज को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि एम नागराज पदोन्नति में आरक्षण जो है, पदोन्नति में रिजर्वेशन है, उसको उस पर हडक्कल बनाया, उसमें मुसीबत बनी हुई है एम नागराज को। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को लार्जर बेंच को नहीं भेजा, लेकिन लार्जर बेंच को नहीं भेजा, लेकिन यही हमें रिलीफ मिल गई, बहुत बड़ी रिलीफ मिली है। और आज का दिन इस देश के करोड़ों आदिवासी लोगों के लिए, करोड़ों शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए, करोड़ों डिप्राइव लोग, यही नहीं कर्मचारियों के लिए नहीं, क्योंकि करोड़ों आम 40 करोड़ लोगों के लिए बहुत बड़े अच्छा दिन है, बहुत बड़े गुड न्यूज़ का दिन है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, आप क्वांटिफिबल डाटा कलेक्ट करने के लिए, उन्होंने बोला क्वांटिफिबल डाटा न होने की वजह से हाई कोर्ट एक्ट को ख़त्म कर रही थी, तो क्वांटिफिबल डाटा को कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और इंदिरा सानी ने ये बोला था कि एसटी एससी लोग मोस्ट बैकवर्ड हैं, इसलिए, और एम नागराज ने, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज इंदिरा सानी के जजमेंट को अपहेल्ड करते हुए ये बोला कि ये लोग मोस्ट बैकवर्ड हैं, तो बैकवर्डनेस के बेसिस पे इनको, इनका डाटा या इनका कुछ मैटर करने की जरूरत, इनका डाटा वो करने की जरूरत नहीं है। तो ये दो बैरियर सुप्रीम कोर्ट ने आज ख़त्म कर दिए, इनडायरेक्ट रूप में एम नागराज खत्म हो चुका है। गोरखला जी, जिन पॉइंटों को, जिन विषयों को लेके आपने बहस किया था और आज जजमेंट आया, क्या कोर्ट ने उन तथ्यों को, उन विषयों को पूर्ण रूप से माना है? पूर्ण रूप से माना है। हमारी प्रेयर ये थी कि ये मामला कॉन्स्टिट्यूशन लार्जर बेंच को जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पांच जजों का, एम नागराज का जजमेंट था, उसको इस पांच जजों के जजमेंट ने ही उलट दिया। तो ये बहुत बड़े अचीवमेंट की बात है। और कोर्ट ने, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी स्टेट गवर्नमेंट्स को, मैं एमपी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, कि क्वांटिफिबल डाटा कलेक्ट नहीं हो पा रहा था, चाहे वो उत्तराखंड के हज़ारों कर्मचारी लोग हैं उत्तराखंड के, चाहे वो उत्तराखंड में जो फेडरेशन है वो है उत्तराखंड एस टी एस सी एम्प्लॉय फेडरेशन है, यूपी में इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, और यूपी में एम्प्लॉयज़ हैं, यूपी के एम्प्लॉयज़ मेरे पास आए थे, वहाँ पर भी डिफिकल्ट क्वांटिफिबल डाटा कलेक्शन में प्रॉब्लम थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने बैकवर्डनेस पे कोई एनालिसिस करने का कोई पैरामीटर नहीं था, कोई रिसर्च का कोई मापदंड नहीं था कि बैकलॉग कैसे चेक किया जाए, कैसे एनालिसिस किया जाए बैकलॉग को, तो बैकलॉग बैकवर्डनेस थी उसको ख़त्म कर दिया, वो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। और दूसरा आपका क्वांटिफिबल डाटा वाला इशू था, वो ख़त्म कर दिया। तो तीन बैरियर जो सबसे बड़े बैरियर थे, बैकवर्डनेस, एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन और क्वांटिफिबल डाटा, तो दो चीज़ें हटा दी हो गई, तो ऑटोमेटिकली मुझे लगता है एम नागराज अब मुझे लगता है एम नागराज कहीं पर कुछ बचा। गोरखला जी, क्या इस जजमेंट का क्या प्रभाव पड़ेगा? इस जजमेंट का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ये मुझे लगता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान लिखा, उसमें भारत के संविधान में 5 आर्टिकल लिखे, जिसके वजह से आज 5000 सालों का जो गुलाम लोग थे, आज वो अपनी अच्छी अच्छी पोस्टों में आए हैं। तो ये जजमेंट जो है, ये 16(4) आर्टिकल, कई सारा र्यूमर चल रहा था कि प्रमोशन रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर देगी, क्रीमी लेयर लागू कर देगी, सारी मीडिया दिखा रही थी, सारे न्यूज़ चैनल दिखा रहे थे, ये वो जितने र्यूमर थे आज ख़त्म हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने कोई क्रीमी लेयर लागू नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार का कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं दिया एसटीएससी के खिलाफ, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने एम नागराज के जो बैरियर थे वो ख़त्म करके इस देश में आर्टिकल 16(4) को अपहेल्ड किया है, इंदिरा सानी को अपहेल्ड किया है, और इस देश के करोड़ों लोगों को, राज्य सरकारों को रिलीफ मिली है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिलीफ मिली है, प्रमोशन रिजर्वेशन अब लागू होगा। अब आज के बाद, ये जजमेंट के बाद, जितने भी केसेस थे जो अलग अलग स्टेट के, क्योंकि मैं उत्तराखंड में जो है, तो अलग अलग स्टेट जो थे, ये मामले जो है, त्रिपुरा स्टेट है, बिहार स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट है, और आपका एमपी स्टेट है, तो ये स्टेट के मैटर अलग अलग डिवीजन बेंच में जाएंगे, वो डिवीजन बेंच डिसाइड करेगा ये मामले। सर, ये जजमेंट जो है कि जो पूरे भारत के जो राज्य हैं वो सब जगह लागू होगा या मतलब? ये सुप्रीम कोर्ट का 5 जजों का जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है। जिस तरह से एम नागराज पूरे देश पे हावी हो गया था, पूरा रिजर्वेशन प्रमोशन निकल चुका था, अब ये जजमेंट पूरे देश पे लागू होगा। भारत के सुप्रीम कोर्ट का 5 जजों का जजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे लागू होगा, स्टेट गवर्नमेंट पे लागू होगा, भारत के प्रत्येक नागरिक पे लागू होगा।